अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले शर्जील खान के बारे में कि शर्जील खान क्यों नहीं खेल रहे हैं, ऐसी कौन सी वजह है और शर्जील खान की क्रिकेट में वापसी कब होगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों 2016 में PSL के पहले सीजन में शर्जील खान इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते थे और इन्होंने काफ़ी मैचेस भी जितवाए इस्लामाबाद यूनाइटेड को और एक शानदार फास्ट सेंचुरी भी बनाई थी पिशावर दलमी के खिलाफ। PSL ख़त्म होते ही खालिद लतीफ़ और शर्जील खान पे इल्ज़ाम लग गया था स्पॉट फिक्सिंग का, जिसकी वजह से उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था और वो अभी तक अपनी सज़ा काट रहे हैं। उसके बाद शर्जील खान ने काफ़ी अपील्स की कि मैंने फिक्सिंग नहीं की है, TV पर भी आए, इमरान खान से भी रिक्वेस्ट की। उसके बाद PCB ने उनसे मीटिंग की और मीटिंग में कहा कि अगर आप अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं पब्लिक के सामने कि मैंने फिक्सिंग की है तो शायद आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल पाओ जल्दी। उसके बाद शर्जील खान ने कुछ दिन बाद ये डिसीजन लिया कि वो रेडी है अपना जुर्म को एतराफ़ करने के लिए, तो PCB ने उन्हें रीअप प्रोग्राम में शिरकत के लिए बुलाया। उसके बाद शर्जील खान की सज़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये कहा जा रहा है कि PCB ने शर्जील खान को वर्ल्ड कप के बाद खेलने की हिदायत की है। अब देखना ये होगा कि शर्जील खान कब वापसी आते हैं, सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में। काफ़ी झूठे खबरें चल रही है कि शर्जील खान वर्ल्ड कप में वापसी आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो PCB ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देता और 23 फिटनेस टेस्ट के लिए प्लेयर्स में शर्जील खान का नाम ज़रूर होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।